वरिष्ठ अध्यापक सुथार 38 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण कर हुए सेवानिवृत्त। खबर गुड़ामालानी से है, जहां महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गुड़ामालानी के वरिष्ठ अध्यापक सगनलाल सुथार 38 वर्ष की गौरवमयी राजकीय सेवा पूर्ण कर शनिवार को सेवानिवृत्त हुए। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय परिवार के नेतृत्व में सुथार के सेवानिवृत्त पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों व विभिन्न विद्यालय शिक्षकों ने उन्हें साफा व मालाओं व गुलाल से भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा उनका सेवानिवृत्त समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधान बिजलाराम चौहान, PEO विक्रम सिंह, शंभुदान बारट, PEO देदाराम पारंगी, प्रधानाचार्य हितेंद्र सिंह चौहान, PEO देवाराम चौधरी, हेमाराम जाट, नारणाराम चौधरी, रिटायर्ड प्रधानाचार्य रामनिवास दादीच आदि संबोधित कर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ अध्यापक सगनलाल सुथार ने कहा कि मैंने इस विद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा था। आज मुझे इसी विद्यालय से वरिष्ठ अध्यापक पद से सेवानिवृत्त होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सुथार का विद्यालय परिवार द्वारा अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। इस दौरान गायत्री शक्तिपीठ से भरत त्रिपाठी, वार्ड पंच शिवदयाल दवे, PEO प्रेमाराम सोनी, बाबूलाल परमार, टीकमा राम चौधरी, दुर्गादास वैष्णव, भंवरलाल गोड़, भगवाना राम गोड़, वैनाराम सोनग्रा, ओम प्रकाश मांजू, नारायण दास स्वामी, केवल चंद जैन, अश्विन दवे, मदन सेन आदि सहित कई अतिथिगण व गुड़ामालानी PEO क्षेत्र के शिक्षक शिक्षिकाएं व ग्रामीण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन बंसीलाल राजपुरोहित ने किया। गुड़ामालानी से गणेश सैन की रिपोर्ट। All other areas, even society work, any welfare, I am ready 24 hours for you. Thank you. अभी मैं इधर हमारे विराजमान सीनियर प्रिंसिपल्स और रेस्पेक्टेड रामजात सर, पारंगी सर, स्वामी साहब, नारायण साहब, मैनी सब मेरे बहुत फ्रेंड है, आने वाले मेरे फॉलोअर्स हैं, नारायण साहब, मैं किन किन का नाम लूँ, कितने मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आप इस कार्यक्रम मेरे एक गौरवपूर्ण क्षण के अंदर आपने उपस्थित दर्ज किए, इसका मैं हमेशा रेडी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धर धामी आलम धनी है लोड़ी पर घरे उपास, धर धामी आलम धनी है लोड़ी पर घरे उपास, ए लिखिया जेने लाज सी और रड़ धरा रहवान, ए लिखिया जेने लाज सी और रड़ धरा रहवान, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, कमो कंदोर भी आए तो मुस्कुरा के जियो और न सर झुका के जियो। अभी आज मैंने मेरे बचपन का झूला भाद्रपुरा, मेरे यौवन की फुलवारी रतनपुरा और मेरे बुढ़ापे का तीर्थ गुड़ामालानी है। थैंक यू सो मच, सभी का हार्दिक आभार। जब उसका भी समय नजदीक आता है तो वो अक्सर ये पूछा करता है, तो मैंने आप लोगों से भी कई बार ये पूछा कि पहले आप सर्विस करते थे ठीक थे या अब ठीक हो, अगर आपके पास कलाओं का ज्ञान है और आपके पास में वास्तव में वास्तविकता में आपके पास में समर्थनशील आपका व्यक्तित्व है तो आप अगले वाले जीवन के अंदर बहुत कुछ दे सकते हो। वरना मैंने लोगों को बदतर जिंदगी भी जीते देखा है, वो अच्छे अच्छे विद्वान तो थे, अच्छे अच्छे पदों पर थे, लेकिन जैसे रिटायरमेंट हुए जिंदगी के उन सारे सौगातों को जो उनके पास थे वे उनको अपने पेट सोसाइटी नहीं कर पाए, अपने समाज को नहीं दे पाए, अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाए। मैं आपसे इस प्रकार की आशा रखता हूँ या अपेक्षा करता हूँ कि आपके पास में जो कलाएं हैं, जो आप एक वेंडर के रूप में हैं, आप हमारे विद्यालयों के अंदर ये सेवाएं दें। आपका जीवन धन्य तो हो गई लेकिन पढ़ने वालों का भी जीवन धन्य हो जाएगा।